ओके तो बेसिकली मैं अभी जा रहा था अपना बालाजी, और मुझे मुंबई से कुछ भैया लोग मिले यूट्यूबर्स, और फील द लाइफ करके कार में लिखा हुआ है। ये भी ट्रैवलर है, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते हैं और फिनिश कर चुके हैं ऑलरेडी, और भाई भी अपने साइकिलिस्ट हैं, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं अभी। वाह अमेजिंग। और मज़े की बात है कि अभी जो रियल ट्रैवलर वाली फीलिंग होती है ना, वो अब आने वाली है कैंपिंग के बाद और बहुत मज़ा आने वाला है। बिकॉज इसलिए मैं ट्रैवलिंग में कभी टाइम लिमिट नहीं रखता हूँ, बिकॉज कुछ भी मिल सकता है। सो जस्ट गो विद द फ्लो मैन, कुछ भी करो, बस इन्जॉय करो। तो ये अभी हम लोग कुछ कुक करने वाले हैं आज एक मुंबई से, एक हमारे बिहार से, एक उत्तराखंड से, और कुछ यहाँ पे कुक करेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ ज़बरदस्त करेंगे, और आपको दिखाते रहता हूँ क्या क्या होने वाला है। मस्त। और क्या आते हैं यार, चलो। वाओ ये अच्छा रहा। तो ये देखो, पहली बार मैं किसी ट्रैवलर प्लस यूट्यूबर से मिल रहा हूँ। मैं दो तीन ट्रैवलर से मिला था ऑलरेडी, बट वो यूट्यूब वगैरह नहीं करते। और अभी देखो ना यार, क्रेज देखो तुम, खाना बन रहा है, कंटेंट तैयार हो रहा है, एक यहाँ पे तैयार हो रहा है, बिल्कुल शूटिंग आइटम्स है प्रॉपरली, पूरा एक कहते हैं ना सेटअप लगा रखा है पूरा। वाओ। और ये उनकी व्हीकल्स हैं, ये हमारी मोहिनी, इसका नाम क्या रखा था आपने? डिग्रो। डिग्रो, अच्छा, यो डिग्रो चे, एंड यो मारो मोहिनी चे। हाँ मोहिनी नाम, या ये डिग्रो का मतलब गुजराती वर्ड है। आई नो डिग्रो, मारो डिग्रो है। तो ये देखो भाव क्या बना रहे हैं हम लोग। तो आज बन रही है भाई खिचड़ी, ये सर हमारी खिचड़ी, ये हमारा एकदम मतलब फेमस आइटम है। हाँ, अभी भी बनाओ। आप गैस खत्म हो गया क्या? चल रहा है, चल रही है, चल रहे। ये हमारे गोंदी के लड्डू, ये मुझे मिले थे चरखी दादरी से, अच्छा, प्लस भिवानी से। अच्छा, ये मिक्स है दो लोगों का प्यार इसमें मिक्स है यार, और बहुत हेवी है। हेवी है ना, क्योंकि इसमें प्रॉपर घी वगैरह से बनते हैं। तो यार आज गर्मी तो भाई बहुत है, लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है राजस्थान में यार, और बहुत अच्छा लगता है यार जब ट्रैवलर्स मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑलरेडी मुझे ट्रैवलर मिले थे जो मुंबई टू कश्मीर कर रहे थे, एंड ये भी अभी उत्तराखंड के लिए रवाना हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि देखो उत्तराखंड का ही बंदा इनको मिल गया। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी ये लोकेशन है, अभी यहाँ पे पंक्चर वगैरह लग रहे हैं, ये नेशनल हाईवे, तो यहाँ पे कहीं भी मिले थे मुझे अभी 1 किलोमीटर पहले। तो खाना खाते हैं, इन्जॉय करते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ से आगे निकलेंगे, तो अभी खिचड़ी पक रही है, खाएंगे और फिर आपको बता रहे हैं कि अभी कौन सी जगह पे है और यहाँ से किधर निकल रहे हैं। अभी सारी बातें करेंगे, पहले खा लेंगे सब, क्योंकि अभी भूख बहुत जोर से लगी है, बोलने में बनता नहीं है। कटने करना है, मेरा बिहाइंड द सीन चलेगा। ठीक है, तो यार सब ब्लॉगर है भाई, सब देखो सब यूट्यूबर है, कितना अच्छा लगता है यार। देखो ना, जब एक दूसरे को समझते हो, पता नहीं कि यूट्यूब एक 15 मिनट की वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, समझ रहे हो ना। ये होती है, ये था बिहाइंड द सीन यार। और सबसे मज़ेदार बात यह है ना कि आपको जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको अलग अलग जगह के लोग मिलते हैं, अलग अलग बातें होती है, अलग चीज़ों के बारे में पता चलता है। मैं उत्तराखंड से हूँ, भैया मुंबई से हैं, भैया बिहार से हैं। देखो बिहार की लैंग्वेज बोले यार, बड़ा मस्त लगता है बिहारी लैंग्वेज। हाँ भोजपुरी। हाँ बोलो, आओ ना इधर, आओ ना, आओ। भोजपुरी आती नहीं है, बोलना पड़ेगा, बोल दे जरा। कुछ भी बोलते, देखो हमें भी नहीं आती, हमें समझ उन लोग को तो समझ में आती होगी। बोलो का हलवा, बिहार में ना डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। तो कुछ ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भोजपुरी चलती है। अच्छा, इधर हम लोग है ना, उधर मैथिली चलती है। मैथिली, हाँ ओके। बिहारी में बहुत सारे लैंग्वेज है, टोटल 18 या ऐसे कुछ है। तो हम लोग इधर रखी, तो गैस हो गई भाई ख़त्म, और अब हम लगाएंगे चूल्हा अपना रेस्टोरेंट स्टाइल में। लकड़ियाँ दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है। हाँ ये देखो, ये देखो, ये
हर जगह भाई कैमरा सेट हो रहा है बिल्कुल। कोई आएगा ना हम बोलेंगे शूट चल रहा है, ठीक है, कोई हमें मिलेगा तो अभी हम बोलेंगे शूट चल रहा है और वीडियो की शूटिंग चल रही है, उसके लिए कंटेंट तैयार हो रहा है। चलो बोलो बोलो, तुम्हारे तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए ऑडियंस तरफ रही है मेरी। अच्छा, हमारी गैसें जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी है, हालांकि हमें पता था पहले से कि वो ख़त्म होने वाली है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती जला दिए। अभी वो खिचड़ी पकी नहीं, उससे पहले ख़त्म हो गया, तो ये जुगाड़ लगा है, देसी जुगाड़। बड़ी जबरदस्त भाषा है, बड़ी मज़ा आया था। बूझे कि नहीं, बूझे तुम्हारे साइड ही बोलते ना, बूझे 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 कि नहीं, का बबुआ बूझे कि नहीं। क्या बात है भाई, मेरा गैस मेरा कुकर गया रे, घर पे बहुत गाली पड़ने वाली मेरे को। ये बाबा क्या कर रहा है ये, देखो यार अलग ही लेवल का सीन है। मेरी लाइफ में तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, यूट्यूबर भरे बड़े मेरे जंगल में। मुझे मैं बोला पता है थंबनेल में ना नीचे क्या लिखना है पता है, लाइफ ऑफ यूट्यूबर करके बिहाइंड द सीन लिख के। हाँ चलिए नहीं नमक है ज्यादा नमक हो गया चाल काहे कमियां निकाल रहे हो। मैं तो बिहारी भाषा सीख गया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। काहे को कमियां निकाल रहे हो मैं, हमेशा इसको ना मेरे खाने में नमक ज्यादा लगता है। बीवी हो गया मैं तेरी? हाँ भाभी है, सचिन भाभी। अच्छा, अब तू बन तो खिचड़ी बन चुकी है और बहुत जबरदस्त टेस्टी खिचड़ी है, उससे भी जबरदस्त है, लोकेशन बहुत जबरदस्त है, मस्त मजा है बैठने का यहाँ पे। भाई खाने पे फोकस करते हैं, बातें थोड़ी देर में करूँगा। लाइफ ऑफ अ यूट्यूबर, कंटेंट के लिए हर चीज करनी पड़ती है। ऐसे धोता है कोई? ऐसे धोता है कोई? इतना देख क्या लो? क्या काम किया भाई आपने? ये देखो, ये देख रहे हो? अरे भैया डालो, ये काम सचिन भैया का ही है। हाँ मेरा है काम ये सचिन भाई। तो भाई सामान रख रहे हैं अभी गाड़ी में, ये सब भाई लोग के सामान है। मेरा भी पेट फुल हुआ, एनर्जी आई, अब चलना आगे की तरफ। अरे और पूरा इसमें ये चटिया डांग रखे हुए। अरे वो मत वो भी दिखा रहे हैं हमारे ऑडियंस को, सब पता होना चाहिए। और ये बेड बेड है अपना पूरा, बताओ बताओ क्या? ये बात भी रिकॉर्ड होगी भाई, ये बंदे मेरे साथ एक घंटे से पिछले नाम भूल गया, बताओ बात कर यार, बात कर, ठहरा हूँ नहीं नाम भूल गया। ये भास्कर भाई के व्यूअर के लिए ये हमने बेड बना के रखा है कार में, एक्चुअली दो प्लाई है, तो एक प्लाई के ऊपर दूसरा प्लाई आ जाता है, ये देखो हिंजेस लगे हुए यहाँ से, तो ये जो सीट है आगे की ये आगे फोल्ड हो जाती है, दूसरा बेड आ जाता है पूरा स्लाइड होके, तीन बंदे आराम से सो सकते, तो कोई दिक्कत नहीं होती है कार कैंपिंग। यही अपना डिक्रो, यही अपना कैंपिंग कार है, तो खाना पीना सब इसी में अपना अभी फिलहाल। और मैंने भी सोचा भाई एक बार पूरा ट्रिप इंडिया करने के बाद मुझे नेक्स्ट की ट्रिप लेंगे, कार ले लिए मारो भी डिक्रो लेना है। और फिर निकलना है कैंपिंग के लिए ऐसे ही एग्जैक्टली, ये भी ना बात में यही तो सुनना चाह रहा था, मैंने सस्पेंस में रखा था ये चीज़। तो साथ में जाएंगे ठीक है, दो दो तीन डिग्रो रहेंगे, हाँ उनके लिए एक ग्रुप तैयार करना है और करना है, बोला है तो करना है ये चीज़ ठीक है, तभी मजा है। देखो अरे यूट्यूब आई डी भी तो है, तो ये यूट्यूब भी है, फील द लाइफ, फील द लाइफ ठीक है, नंबर समझ लो कहीं पे। हाँ उत्तराखंड वालों खासकर चेहरा पहचान लो भाई, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ देखना जरूर ठीक है। कार ये है फील द लाइफ और रेड कलर की कार है, दूर से चमक जाती है पता ही आपको। और मेन चीज़ जो है ना वो बता दो आप, मतलब हम लोग क्यों ट्रैवल कर रहे हैं ना वो चीज़ बताओ ठीक है। तो मैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं बेसिकली बता रहा हूँ ये चीज़ ना आप बताओ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बेटर लगेगा, आप एक बार इसको अच्छे से बताओ। चालू है? चालू है।
तो हर एक ट्रैवलर का ना कुछ एक मोटिव होता है, कोई अपने लिए ट्रैवल करता है, कोई अपनों के लिए ट्रैवल करता है, कोई बस मर्जी से ट्रैवल करता है। हम लोगों ने एक छोटा सा मोटिव लेके शुरू किया था ट्रैवलिंग, यूट्यूब तो हालांकि दूसरी बात हो गए, बट हमने स्टार्ट किया था पेंडेमिक में, जब कोविड का टाइम बहुत पीक पे था। तो हमने क्या किया है कि रास्ते के दोनों तरफ, अब जो रास्ते बड़े हो रहे हैं तो रास्ते के दोनों तरफ ना पेड़ कट चुके हैं, तो पेड़ पौधों की बहुत सारी कमी हो गई है। तो हमने लगभग 3 लाख से ज़्यादा बीज आज तक लगाए हैं रास्ते के दोनों साइड में, हाईवे से हमने इंडिया के चारों कॉर्नर की है, इंडिया से वेस्ट टू ईस्ट कॉर्नर भी किया है। तो टोटल ऐसा हमने आज तक का दोनों मिशन पकड़ के 4-5 लाख बीज लगा दिए हैं, और अब स्टेट वाइज कर रहे हैं, जहाँ भी स्टेट में जाते हैं वहाँ पर हम लोग बीज लगाते हैं और बांटते हैं। तो यही है कि जहाँ पे भी आप हो एक पौधा ज़रूर लगा दो, ये संदेश लेके हम चलते हैं, बाकी कुछ नहीं यार। वाओ, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, कुछ ना कुछ मोटिव है और इससे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैं भी बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, और आपको पता होगा ना उत्तराखंड में एक काफ़ी साल पहले एक चिपको आंदोलन चला था। एग्जैक्टली वहीं से शुरू हुआ था चिपको। हाँ, तो वो चीज़ है देखो, तो उत्तराखंड में भी वो लोग आ रहे हैं, और तो कहने के ना इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, चीज़ें अट्रैक्ट करती है आपको, जिस जगह पे जो उन्होंने मोटिव लिया था वो कहीं ना कहीं मोटिव को उत्तराखंड में भी चलाएंगे और ऑल ओवर इंडिया में चला रहे हैं। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा लगा जैसे लोग जब मिलते हैं। अरे मुंह धुलाई चल रही है यही बिस्तर है देखो, यही घर है अपना, इसी का मजा है। वाह, तो जाने का समय हो गया पानी भर लिया मैंने अभी ये देखो गर्मी इतनी हो रही है यार भाई, सच में। हाँ सच में, अभी साइकिलिंग करनी है, और यार बहुत ज़बरदस्त लगा भैया लोगों से मिलके, ये इनकी पूरी चलता फिरता घर है भाई, और एक मोटिवेशन मिला क्योंकि बहुत सारे ट्रैवलर्स मिलते हैं यार, अच्छा लगता है। अब नेशनल हाईवे है, यहाँ से जाना है, इस जगह पर हमने कैंपिंग की थी, पूरी सफाई कर दी है, बिकॉज सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, जहाँ पर भी आप करो गंदगी ना करो। और ये हमारी मोहिनी खड़ी है, मोहिनी जाने के लिए तैयार है, बेचारी तप गई है धूप में। मोहिनी मोहिनी ये डिग्रो ये मोहिनी, और कपड़े सुखार के मेरे इसमें चलते चड्डियाँ सूख रही है, सूरी चड्डियाँ सूख रही हैं, जुराबे सूख रही हैं। अमेज़न से लिया क्या ये सैडल बैग? नहीं नहीं, तो यार जाने का टाइम हो चुका है, और फिर उसे विदाई देते हैं। और वो देखो मैंने कहा ना यूट्यूबर एक यूट्यूबर अपनी वीडियो, यार देखो कितनी मेहनत लगती है यूट्यूब बनाने में, तो समझो इस चीज़ को गाइस, यार मेहनत लगती है, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मुझे साइकिल से निकलना है करीब करीब 30 किलोमीटर्स, क्योंकि मैं जब निकला था तब से मैं यहीं पे हूँ, अभी ज़्यादा दूर गया नहीं मैं, 29 किलोमीटर मान लो चलो। और ये भैया लोग जा रहे हैं अभी उत्तराखंड के लिए, हमारे ही शहर मुझे जाना है यहाँ के लिए, तो फटाफट से निकलते हैं यार, उनसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। चले ब्रो, ये अपने भाई है बिहार से, ये बड़े जबरदस्त बोलते हैं, बड़ा मजा आता है, दिखाते हैं ये कंटेंट बना रहे हैं। चलो ब्रो मिलते हैं, चलो ठीक है मिलते हैं ये कंटेंट बन रहा है पूरा, बोला आप हर चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं यार। ये अंकल जी हमारे, राम राम साहब जी की 4 बकरियां है, क्या बात है, नाम नहीं रखे ना? मैंने बोला रख दो ओनू मोनू टेनू, अब तो गाड़ियों के नाम है अंकल जी, अब तो बकरियों के भी रखे दिया करो, बकरियों के नाम रख दो, याद हो जाएगा अब तो। ये जो ना पीपल ये करो कवर करो, यूनिक है कैसा का देखा गेटअप, हाँ एकदम बहुत जबरदस्त लगा, और ये चीज मुझे सीखनी है एक्चुअली, सीखनी है। ये एक प्रॉपर राजस्थानी अटायर है, है ना, और ये साफा पहन रखा है गर्मी से बचने के लिए, देखिए अंकल जी मैंने पहन लिया देखिए, ये एक राजस्थानी अटायर है पूरा। तो फिलहाल हमें इस जगह पे जाना है, अभी चलते हैं, देखा हाँ। किसका डर भाई, वो राजस्थान से है, वो कहाँ का डर नहीं आपके पास, चलें तो चलिए चलते हैं हम आगे को, और बहुत लंबा सफर करना है तो चलते हैं। ओके सो फाइनली टाइम टू गो नाउ, और मुझे निकलना है इस साइड, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ज़्यादा देर रुक नहीं सकता है, टाइम पे पहुँचना भी है, राइट तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भास्कर भाई को बोले थे थोड़ा आगे जाना है, वो तो भागते ही रह गए, मुझे लगा कि अपना छोड़ के चले जा रहा। चलो भाई तो ये कैमरा दे देते भास्कर भाई को, और सपोर्ट करो आप भाई को, सपोर्ट करना यार, बहुत मेहनत कर रहा है, सच में बहुत मेहनत कर रहा है।